नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, प्रेगनेंसी के एपिसोड्स हम जीवन कोश में शुरू कर चुके हैं और ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जिससे अक्सर महिलाओं को कन्फ्यूजन होती है। और कन्फ्यूजन ये होती है कि हमें ये तो पता लग गया है कि हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन डॉक्टर के पास कब जाएं और कब दिखाएं। जी हाँ, आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि अगर आप लेट डॉक्टर के पास जाती हैं, जो अक्सर महिलाएं गलती करती हैं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी को, यानी कि फर्स्ट ट्रेमेस्टर की कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर को दिखाती हैं, तो क्या क्या रिस्क होते हैं। दोस्तों देखिए, जब आपको पता लग गया है कि आप प्रेग्नेंट है, तो आपको 1 से 2 दिन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको मालूम नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी को कितना समय हुआ है। साथ ही अगर हम समय पर डॉक्टर को दिखा देते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशंस का भी पता लग जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, क्योंकि 3 महीने की प्रेगनेंसी से पहले पहले कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी में चलते रहते हैं। अगर उन्हें समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो प्रेगनेंसी आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो सही रहती है। दोस्तों 8 से 10 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसके बीच में बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई है, तो ऐसे में समय रहते उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो समय पर टर्मिनेट नहीं होती है तो ऐसे में मदर की जान पर बहुत खतरा होता है। दोस्तों इसके अलावा भी बिना धड़कन का बच्चा अगर हम लंबे समय तक उसको कैरी करते हैं तो इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है और आपकी दूसरी प्रेगनेंसी पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो समय रहते प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा लिया जाए, उसी में भलाई होती है। दोस्तों और बहुत रीज़न्स ये हैं कि समय रहते आपको पता होना चाहिए कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं हुआ, शुगर तो नहीं हुआ, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट जो होता है वो शुरुआती हफ्तों में शुरू हो जाता है, क्योंकि शुगर और थायराइड का और इवन बीपी का भी इफ़ेक्ट आपके बच्चे पर पड़ता है, जो कि आपको अभी तो स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, लेकिन आने वाले जो हमारे सेकेंड ट्रेमेस्टर थर्ड ट्रेमेस्टर पर होता है उसमें बच्चे की जान को रिस्क हो जाता है। तो दोस्तों आप अब ये जान लीजिए, जब आपको पता लग जाए कि हाँ आप प्रेग्नेंट है, तो तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं और उनके कहे अनुसार जो जांच वो कह रहे हैं वो कराएं, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो और आप भी हेल्दी रहें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जीवन कोश में इसी तरह के एपिसोड्स हम लाते रहेंगे। बस आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।